सो गाइस, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आपको एक सिंबल वहां पे देखने को मिल रहा होगा जिसे कॉपीराइट सिंबल बोलते हैं, तो यहां पे मैं उसको लगा दूंगा, आप देख लेना। कुछ इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ये तभी मिलेगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा पूरी डिटेल कि आपको इसको कैसे यूज करना है और इसका सही तरीका क्या है। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं कि आपको इस कॉपीराइट सिंबल को कैसे यूज करना है अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है या फिर होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रोम ब्राउज़र जैसे आप ओपन करते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो मोनेटाइजेशन के बाद उसमें कॉपीराइट का एक ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप देख रहे हैं मेरा पेज कुछ इस तरह खुल के आया है, आप यहाँ देख सकते हैं एक कॉपीराइट का सिंबल बना हुआ है सी। तो इसको कैसे आपको करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्री एंड कंटिन्यू करना है। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि इसकी गाइडलाइंस क्या है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, ये वाला पढ़ लीजिए, और इस पर लिखा हुआ कीप कंट्रोल ऑफ योर कंटेंट, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जो भी इसमें जानकारी दी गई है मैं आपको बताऊँगा उसको, फ़िलहाल आप इसको एक बार पढ़ लें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है गुड स्टेप्स यू हैव कॉट अप विथ एवरीथिंग, हेयर्स वेयर यू विल फाइंड वीडियोस दैट मैच योर्स, फॉर नाउ देयर्स नथिंग न्यू। यहाँ पे क्या दिखाई देगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोज़ को अपने YouTube पर अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा और वहाँ पे लिखा होगा कि ये आपकी वीडियो किसी और ने अपलोड की है। इससे क्या होगा कि मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपकी तभी ऑन होंगी जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके पहले आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा मेरा कंटेंट कोई और यूज किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ से कुछ ऑप्शन और दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे रिमूवल रिपोर्ट का एक ऑप्शन है सेकंड पे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अभी एक मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ मैसेज आ जाएगा अगर वो बंदा आपसे रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। अगर आप उसको चाहते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक हम वहाँ से हटा लें तो यहाँ पे वो मैसेज करेगा आपको अपनी ईमेल आईडी से, और यहाँ पे आपको मैसेज शो हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि उसको हम कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लें तो आप वापस ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो वैसे ही रहने दीजिए, उसका वीडियो अपने आप बंद हो जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन हम लोगों के लिए मिल गया जब से चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो अगर आपको भी इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो आप इस तरह से उसको कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द पता चल जाए कि आपका कंटेंट कोई और यूज ना कर पाए। तो ये चौथा ऑप्शन भी दिखा देते हैं, इसमें आर्चीव का ऑप्शन है, इसमें भी कुछ नहीं होगा जहाँ तक उम्मीद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है अभी। तो फिलहाल अगर कोई कंटेंट मेरा यूज करता है तो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा, मैच के ऑप्शन देख रहे हैं, मैच वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिखा देगा कि ये एक वीडियो आपकी मैच कर रही है किसी और के कंटेंट में। तो मैं वहाँ जाके देखूँगा कौन है वो बंदा, और अगर मैं चाहूँगा तो उसको मैं आराम से स्ट्राइक दे सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से अगर कोई आपकी वीडियो को यूज करता है तो कुछ इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक मेरी बहुत ही वायरल वीडियो है देवा शरीफ की मैंने बनाई थी, तो यहाँ मैच के ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा डिटेल उसका आ जाएगा जिसने भी आपकी वीडियोस को यूज किया है और कितना परसेंट यूज किया है, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं। तो पहले आप देख लें कि मेरी कौन सी वीडियो पे आई है, यहाँ पे देवा शरीफ की वीडियो है वो, और जो बंदे ने मेरा वीडियो यूज किया है उसके अभी इस वीडियो पे टोटल 16 व्यूज़ अभी आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसने कब उस वीडियो को अपलोड किया था, यहाँ से आप देख सकते हैं 29 मई 2020 को, और उस चैनल का नाम है ऑफिशियल मिस्टर रजा, आप यहां से देख सकते हैं उसके चैनल का नाम भी शो हो रहा है। और यहां पे देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मैच, यानी 100% मेरा मैच कर रहा है उसके वीडियो से, यानी उसने सारी कॉपी की है मेरी वीडियोस और वैसे ही अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। अगर आप चाहते हैं कि इस बंदे को हम कॉपीराइट स्ट्राइक दें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं और यहीं से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊँगा कि आप इस बंदे को कैसे स्ट्राइक दे सकते हैं, यानी आपका जो कंटेंट यूज किया रहेगा उसको आप कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं। तो फिलहाल मुझे एक छोटी सी वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अगर कुछ भी चीज़ें आपको पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी सवाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और नॉलेजेबल वीडियो है एक,
और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।